बिसम अस्सलाम असल मकतब गामदी की एक और नशस्त में खुश आमदेद सिलसिला गुफ्तु उन तेईस एतराज़ा पर मुश्तमिल है जो बिलुम गामदी साहब के मज़बी अफकार पर पेश किए जाते हैं उस सिलसिले की आज ये पच्चीसवीं नशस्त है और ूर महदी का मौजूद ज़ेर भैंस है ूहर मेहदी के मौजू पर यह दूसरी नशस्त है आज हम चाहेंगे कि इस नशस्त में गामदी साहब से ूर मेहदी के हवाले से बिलुम जो उनके नुक़ नज़र पर एतराज किए जाते हैं तफसीला उनका जायज़ा ले बिलखसूस उन अहदीत से मुतलक़ उनसे पूछें जो इस एज्म में पेश की जाती है हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हम सब सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि एक ख़ुलासा आपके सामने रख दूँ और सुनने वालों के सामने भी कि जो कुछ उम्मत के अंदर राइज नुक़ नज़र है ूर मेहदी के हवाले से और कहा यह जाता है कि ये नुक़ः नज़र रिवायात से ख़ किया गया है उसका एक ख़ुलासा दायरा मारफ़ इस्लामी के अंदर मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स से मनसूब नक़ल किया गया है तो मैं चंद मिनट चाहूँगा मैं लोगों को बता दूँ कि जो नुक़ः नज़र है वो है क्या और फिर हम चाहेंगे कि उन रिवायात पर आएँ और गांधी साहब से पूछें कि वो उनको कैसे देखते हैं ये लिखा गया है कि बहुत सी रिवायत रसोसम से मनसूब हैं और बाद सदनाली से मनसूब हैं जिनमें कहा गया है कि जब तक वो जाहिर ना हो जाए उस वक्त तक दुनिया का ख़ात्मा होगा ना कयामत आएगी वो मेरी में से होगा मेरी इतरत से होगा मेरी उम्मत से होगा फातमा की औलाद से होगा उसका नाम मेरा नाम होगा उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम होगा खुल्क में वो मिसाल पैम्बर होगा लेकिन खल्क़ यानी सूरत में वो मुख्तलफ़ होगा यह जदली का कौल बताया जाता है उसके माथे पर ना बाल होंगे ना ख़मदार और बुलंद होगी उस वक्त दुनिया जुल्म और तददी और बुराई से मामूर होगी कुफर कुफरलहात का दौर दौरा होगा जो शख्स अल्लाह अल्लाह करेगा हलाक कर दिया जाएगा वो दुनिया में इंसाफ और रवादारी को राइज करेगा वो लोगों को उस वक्त तक बदनी सज़ा देता रहेगा जब तक वो अल्लाह यानी हक की तरफ रजू ना कर लें मुसलमानों को उसके मातहत ऐसी खुशहाली नसीब होगी किसी ने पहले सुनी ना देखी ज़मीन पर अपने बेहतरीन ज़मीन अपने बेहतरीन फल पैदा करेगी और आसमान से रहमत की बारिशें होंगी रुपये पैसे की उस जमाने में ये हालत होगी कि पाँव तले रौंदा जाएगा और बेशुमार होगा एक आदमी खड़ा होकर कहेगा कि अहदी ये दौलत मुझे दे दो और वह कहेगा बेशक़्स ले जा और वह उसके दामन में इतनी दौलत भर देगा जिससे वो शख्स उठाकर ले जा सके तो ये एक खुलासा है जो मेहदी के ूर के तस्वूर के हवाले से उम्मत में राइज है और कहा ही जाता है कि मुख्तलिफ रवायात में इसका तसरी के साथ जिक्र है हम सब गुफ्तु का आगाज़ करते हैं गुश्त हमारी जो नशस्त थी उसमें गुफ्तु का खात्मा इस पर हुआ था कि दावा ये किया जाता है कि ूर मेहदी की रवायात मतवा हैं आपने बड़ी तफस से बताया था कि तवाुर कहते कैसे हैं और रिवायात पर तवाुर का इतलाक़ क्यों नहीं किया जा सकता आज का पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि इतनी बड़ी तादाद में ये रिवायतें मौजूद हैं कहा जाता है कि सब रिवायतें अगर जमा कर ली जाएं उनकी सनद और सेहत को एक तरफ़ रख तो के तो 500 के करीब हैं तो जब आप ये कहते हैं कि ख़बरें आहाद हैं ये ख़बरें वाहिद हैं इनसे ये चीज़ आ रही है इनमें मुतवा का हुक्म नहीं लगाया जा सकता तो इतनी बड़ी तादाद में ये रिवायतें हमारे सामने आती हैं और फिर भी हम कहते हैं कि मुतवात नहीं ख़बर वाहिद मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक चीज़ वो तवा है जो किसी उम्मत में किसी कौम में किसी गिरोह में किसी जमात में तारीख़ को आगे मुंतकिल करता है इसको फ़नी या इल्मी में तवा तबका कहा जाता है इतनी बड़ी तादाद में सहाबा किराम ने एक चीज़ को आगे पहुंचा दिया इसकी मिसाल कुरान मजीद है इसकी मिसाल सुन्नत है उनकी अपनी तादाद भी लाख से ज़्यादा थी उन्होंने आगे लाखों लोगों को इसे मुंतकिल कर दिया इससे पहले हम कई मरतबा ये गुफ्तू कर चुके हैं कि यहाँ ना रावी देखे जाते हैं ना सनत देखी जाती है ना इसकी कोई ज़रूरत होती है ये तो बिल्कुल ऐसी ही एक बात है कि आपके आबा से आप ये सुन रहे हैं कि मुगलिया सल्तनत कायम हुई थी आपका इल्म इसकी गवाही दे रहा है ये चीज़ हर किताब में लिखी हुई आपको मिलती है पहले दौर से लेकर आज के ज़माने तक आप इसको तवातुर के साथ सुनते भी आ रहे होते हैं इस पर इलम का इजमा भी होता है ये बिल्कुल अलग चीज़ है दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ ये है कि किसी बात को रसालत में आप से सुन कर लोगों ने बयान करना शुरू किया और लोगों की तादाद काफ़ी हो गई दस लोगों ने बयान कर दिया पंद्रह ने बयान कर दिया बीस ने बयान कर दिया उससे मतलब ये बहस पैदा हो गई कि क्या यहाँ पर भी हम अब ख़बर पर तवातुर का हुक्म लगा सकते हैं खबर को मुतवातिर करार दे सकते हैं ये वो तवातुर नहीं है जिसको हम तवाुर तबका कहते हैं ये अखबार का तवातुर है यानी हमें कुछ इतलात मिली लेकिन ज़्यादा लोगों से मिल गई इसका जायज़ा लेने से मालूम होता है कि यहाँ तवाुर के लफ्स का इस्तेमाली मौजू नहीं है यानी दस लोग हो गए बीस लोग हो गए पंद्रह लोग हो गए तवातुर की तारीफ ये थी कि एक जम गफ़ीर एक बात को मुंतकिल कर रहा है और हम जब उस जम गफीर को देखते हैं मुख्तु इलाक़ों में देखते हैं ज़मानों में देखते हैं तो हम ये बावरी नहीं कर सकते कि ये झूठ पर जमा हो सकते हैं या कोई साजिश कर सकते हैं जब ये चीज़ अकलन महाल है तो अब गोया तवातुर की इब्ता होती है और फिर उसका लाजमी नतीजा क्या निकलता है उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि हर दौर में उस पर इल्म का इजमा नकल किया जाता है मैं इससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि कुरान मजीद इस तस्वुर से बिल्कुल खाली है इसी तरह जब हम हदीस के ज़ख़ीरे में दाखिल होते हैं और हदीस के जखीरे में भी दाखिल होने से पहले मुसलमानों की इलमी रवायत का जायज़ा लेते हैं तो वहाँ भी पहला दौर इससे ख़ाली नज़र आता है अब रवायत आ गई यानी हदीस के जखीरे में आप दाखिल हो गए हदीस के जखीरे की नौीयत भी दोबारा जहन में ताज़ा कर लेनी चाहिए यानी रसूलुल्लाह सल्लम से मैंने बात सुनी आपने बात सुनी जैद ने बात सुनी बकर ने बात सुनी कोई बात सुनी और अपनी ज़िम्मेदारी पर उसको आगे बयान कर दिया जब रसालत में आप दीन के हकायक बयान करते हैं या उनको देते हैं तो उनके देने का तरीक़ा ही बिल्कुल मुख्तलिफ होता है दीन की सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कुरान मजीद रिसालत में वसल्लम ने उसको पढ़ कर सुनाया सहाबा ने उसको अक्स किया लिखने वालों ने उसको लिखा याद करने वालों ने उसको याद किया मुसलमानों के हर घर में वो कुरान पहुँच गया और फिर नस्लन बा नस्लन मुंतकिल हो रहा है सुन्नत को जारी कर दिया गया यानी अमल में जारी हो गई रिसालत में वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई लोगों को रोज़े रखवाए लोगों को उम्रा और हज कराया ये चीज़ें पहले से भी चली आ रही थी रसूलुल्लाह की तस्वीब के नतीजे में सब मुसलमानों में जारी होगी हर साल जब रमज़ान का महीना आता है तो हम रोज़े रख रहे होते हैं हर साल जब हज का मौका आता है तो काफ़िले हरम के लिए रवाना हो जाते हैं मुसलमान आम जनों में भी उम्र करने के लिए जा रहे होते हैं ये शाय जाय चीज़ें हैं और जाहिर है कि इनके बारे में ये सवाल पैदा नहीं होता तवातुर इस तरह की नौत की चीज़ों ही को हासिल होता है ये तवातुर का लफ्स बोलते वक्त ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि इसकी नौत क्या है तो अखबार मुतवातरा ये मुहदसिन ने अलाह अपने यहाँ राइज की और इसका मतलब सिर्फ़ ये था कि बहुत ज़्यादा लोग हैं काफ़ी लोग हैं बड़ी तादाद बयान कर रही है अब बड़ी तादाद बयान कर रही है तो आप ज़रा कवायद हदीस की किताबें निकाल के देखिए मालूम हो जाएगा कि कोई शख्स कहता है साठ होने चाहिए कोई कहता है चालीस होने चाहिए कोई कहता है बीस होने चाहिए इसमें फिर इखिलाफ़ शुरू हो जाते हैं असला ये सब की सब अखबार अहत हैं खबर वाद या अखबार अहद इसका मतलब समझ लें इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि एक ही आदमी रवायत कर रहा है इसका मतलब ये है कि मुनफरद लोग रवायत कर रहे हैं यानी ऐसा नहीं है कि पूरे तबके से एक बात आ रही है सहाबा कराम की पूरी जमात से एक बात आ रही है ऐसा नहीं है बल्कि लोग रवायत कर रहे हैं एक दो तीन चार लोग रवायत कर रहे हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं जब हर जगह एक ही आदमी रह जाए तो फिर तो रवायत गरीब हो जाती है तो अखबार अहद की असलाह तमाम अदीस के लिए इल्मी तौर पर इस्तेमाल की जाती है और इसका मतलब होता है कि खबर तबातुर के दर्जे पर नहीं पहुँची होती इसके लिए सनत चाहिए उसको देखना है उसका जायज़ा लेना है चनाची यही वो चीज़ें हैं जो रिसालत में से जब बयान होना शुरू हो गई तो फिर मुहदसन पैदा हुए आइम्मा रजाल पैदा हुए और उन्होंने तनकीह का काम शुरू किया ये सारा जख़ीरा जो इस वक्त आपको नज़र आता है वो बुखारी में है मुस्लिम में है दूसरी किताबों में है ये तनकीह इसके अमल से गुजरा है तनकीह करने के लिए कायदे बनाए गए जब्त बनाए गए इस पर हम तफसली गुफ्तू कर चुके हैं यानी क्या चीज़ें देखी गईं, कैसे उनको जाँचा गया कैसे उनको परखा गया इसमें हमने ये देखा था कि जब एक रवायत को मुहदसिन अपनी असलाह में सही करार देते हैं तो उसके लिए तीन चीज़ें सनत के लिहाज से बुनियादी होती इस पर हम तफसली गुफ्तू कर चुके हैं यानि क्या चीज़ें हैं वो सीरत व करदार को देखें आदमी झूठा तो नहीं लपाटिया तो नहीं है दास्तान गो तो नहीं है उसकी सीरत क्या है उसके अंदर दीन से मोहब्बत है वो अल्लाह ताला के हकाम की पैरवी करता है उस पर अतमाद किया जा सकता है इसके लिहाज से उन्होंने इस तरह हाथ बना रखी हैं कि ये सदूक है ये सिका है इस तरह के अलफा से उसको तबीर करते हैं फिर ये कि संद में इतसाल यानी रवी बयान कर रहा है मैंने फलां से सुना तो ज़ाहिर है कि इसमें तारीखी बहस पैदा हो जाएगी ना मैं आज खड़े होकर ये कह दूँ कि मैंने फला आदमी से सुना और वो दूसरी सदी का आदमी हो तो इसको तो कोई बावर करने के लिए तैयार नहीं होगा तो सनत का इतसाल देखा जाता है और तीसरी चीज़ इतकान देखा जाता है इसके बाद चरेल की बहसें शजूज की बहसें इन सब मराहल से जब रवायत गुजरती है तो तब वो अपने यहाँ उसको अपनी असलाह के मुताबिक सही करार दे के अपनी किताब में दर्ज करते इमाम बुखारी की किताब का अल्जाम सही नाम क्यों रखा गया उसमें सही का लफ्ज़ उर्दू के सही के मानी में इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि इस मेार पर पूरी उतरने वाली रवायतें जिसमें उन्होंने कुछ मजीद शराइत भी आयद की हैं ये मैंने अपनी किताब में जमा की हैं तो इसलिए उसको अलजामू सही कहा जाता है मुस्लिम की किताब को भी इसीलिए अजामू सही कहा जाता है यानी उसमें इस बात का इल्ताम किया है मुसनफ़ के इस इल्ताम से आप इख्तिला कर सकते हैं लेकिन उसने इसका इल्ताम किया है कि इन मैारा के मुताबिक वो रवायात का इंतखा करेंगे अब जब कोई चीज़ रवायत की बुनियाद पर बयान की जाएगी तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये रवायात किन लोगों ने बयान की हैं कहाँ से आई हैं कितनी है आपने अभी बयान फरमाया कि ये पाँच सौ के करीब है जी। ये आम तौर पर तुरक को गिन के बयान किया जाता है तुर्क इसको भी थारे? समझ लें बात अच्छी तरह देखिए मैंने एक बात रिसालत अलैहि वसल्लम से सुनी मैंने सुनने के बाद उस बात को आपसे आगे बयान किया आपने आगे दस लोगों से बयान कर दिया उन दस लोगों ने आगे अपने अपने हल्का हवाब में बयान करना शुरू कर दिया तो अब ये जितने तरीक बनते जाएंगे यानी चेन बनती चली जाएगी ना इसको गिन लिया जाता है वो बात एक ही थी वाकया अच्छा। एक ही था अच्छा, अच्छा। यानी बात मैंने सुनी थी मैंने उसको बयान किया था मेरे बयान कर देने के बाद अब वो शाय हो रही है मैं कहीं बयान करूँगा ना 25 लोगों के सामने मैंने बयान कर दिया 15 लोगों के सामने बयान कर दिया उनमें से दो और चार ने अपने अपने हलके में अपने अपने, अपने शागिदों के सामने उसको आगे रवायत कर दिया। तो आप जाहिर है कि उसमें बढ़ता जाएगा इसी बुनियाद के ऊपर आमतौर पर आपने सुना होगा ये कहा जाता है कि इमाम बुखारी ने लाखों हदीसों से इंतखब किया वो लाखों से मुराद यही होता है यानी वाक़ लाखों नहीं होते असला रवायत लाखों की तादाद में नहीं होती बल्कि वो इस तरीके से लाखों में तब्दील हो जाती है तो इसी तरीके से ये रवायतें भी बयान की गई हैं यानि रसालत में से सबसे पहले देखना चाहिए कि ये इससे कतः नज़र कि उनकी नौीयत क्या है यानी वो सही है, वो हसन है, वो ज़यीफ़ हैं वो मौज़ू हैं उसको छोड़ कर जब हम तमाम इस तरह की चीज़ों को यानी जो हमारे सामने एक अम्बार पड़ा हुआ है उसको शुमार करते हैं तो तुर्क के लिहाज से यानि हर हर तरीक़ को अलग ले लें ले, तो पाँच सौ के करीब हैं लेकिन ये कितने सहाबा से, है? से. महदी की कुल सहाबा से तेईस ने जैसे करती। हम तो नहीं जानते ना रवायतें बयान करती हैं कि ये तेईस सहाबा से हमको मिली है कैसे बयान करती हैं यानी एक चैन को एक सनत को जब आप ऊपर ले जाते हैं तो आगे सहाबी का नाम आखिर में आता है बयान करने वाला अपने सारे इस तसलसल को कायम रखते हुए आपको आखिर तक ले जाता है आखिर में तो रिसालत मल्म की ज़ुबान फैज़ तरजुमान से बात निकलेगी ना लेकिन सुनने वाला कोई सिहाबी होगा तो हर सुनने वाला जो बाद में उसको बयान कर रहा है जिसने लोगों से वो बात सुनी है वो अपनी सनत का ख़ात्मा कहाँ करेगा किसी से हाबी के नाम पर ये कहेगा कि ये बात वहाँ से चली थी तो तेईस के करीब से आबा है अब जब उन तेईस के करीब सहाबा की ये पाँच सौ करीब रिवायतें जो मुख्तफ तुरप में तब्दील हो गई हैं इनको आप छानना पटकना शुरू करते हैं पहले तो यही काम करेंगे ना यानी सबसे पहला काम ये करेंगे कि महदसिन ने जो रिवायतों को छान फटक करने के तरीके बयान किए हैं उनकी रोशनी में देखें ये कि कोई भी बात शायो ज़ाये हो गई दसियों लोग बयान करने लग गए लेकिन शहबा कराम से किसी बात की नस्बत है या वो आगे रसालत महाबी वसलम से मनसूब कर रहे हैं तो हमारे आईम्मा रिजाल ने क्या किया कि उन्होंने एक एक चीज़ को जाँचना शुरू किया अच्छा ये जिम्मेदारी ली है कि रसूल वसलम की नस्बत से बात बयान हो रही है तो वह आपको भी देखेंगे आपके किरदार को भी देखेंगे आपके इतसाल को भी देखेंगे सब चीज़ों को देखेंगे ये देखने का अमल मुहदसिन कर रहे हैं और ये मालूम है कि ये पहली सदी में शुरू हो गया था अच्छा यानी ताबेन के दौर के बाद बड़े बड़े आइमाय रिजाल पैदा हुए हैं जिन्होंने इस काम की इब्तः कर दी आज हम अगर कोई बात कह रहे होते हैं तो नई बात नहीं कह सकते उन्हीं के बलबूते हमें तो उन लोगों के बारे में मालूम नहीं है उनके सामने वो लोग मौजूद हैं यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो किन लोगों को देख रहे हैं ताबेन को देख रहे हैं जो सहाबा से बयान कर रहे हैं उसके बाद अगर कुछ लोग हैं तो अब गोया ये लोग पैदा हो गए हैं ये हर हर शख्स को जाँचना शुरू कर देते हैं सहाबा के बारे में ये तय कर लिया गया कि उन पर हम तिरा नहीं करेंगे अगर किसी शख्स के बारे में ये मालूम है ये नहीं कि वो मजहूल हो ऐसे ही आप नाम ले दें मालूम है तो अस सहाबा तो कुल्लू मदूर यानी वो सब के सब काबिल अतम हैं लेकिन उनके बाद उनसे जो लोग बयान कर रहे हैं उनको हम हर लिहाज से देखेंगे ठीक। उनकी शख्सियत का पोस्टमार्टम करेंगे उनकी तारीख का पोस्टमार्टम करेंगे और फिर हम बताएंगे इससे जो मालूम उन्होंने हमें फ़रा की हैं वो रिजाल की किताबों में दर्ज होती हैं मैं एक आम आदमी के लिए इसकी वजाहत कर रहा हूँ इसलिए जब भी कभी किसी रवायत पर गुफगू हो रही होती है तो ये आज गामदी नहीं कर सकता ये याबूलला मदूदी नहीं कर सकते ये अनवर शाह कश्मीरी नहीं कर सकते हम उसी मवाद को पेश कर रहे होते हैं, यानी उस ज़माने में पहली सदी में जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उन जलील कदर लोगों ने जो मालूम हमें फ़राम कि वो मालूम किताबों में जमा कर दी गई है उनका रिकॉर्ड तरतीब दे लिया गया है वो मालूम है जिनकी तरफ हम मराजत करते यानि वही लोग हमें बता रहे होते हैं कि ये आदमी सच्चा था ये आदमी झूठा था ये आदमी इधर उधर की बातें बयान करने वाला था ये दास्तान गो था यह लपाटिया था ये काबिल एतमाद है ये नहीं काबिल एतमाद इसने अजनबी जगह भी बातें बयान करने का तरीका इख्तियार किया था इसके लिए उन्होंने ख़ास असलाहत बना रखी हुई हैं अच्छा। ये मुनकरल हदीस है इसकी बात काबिल कबूल नहीं होती इससे एहतजाज करना व का तरीका नहीं है वो अपने ज़माने में जो मालूम जमा कर सके हैं वो उन्होंने किताबों में लिख दी हैं इस वक्त कोई शख्स आपको नई इतला नहीं दे रहा होता वो उसी ज़खीरे की तरफ रजू कर रहा होता है उस ज़खीरे को रजू के नतीजे में एक लाजमी चीज़ सामने आ जाती है कि ये बात काबिल अतमाद हो सकती है या नहीं हो सकती इसमें इख्तलाफ़ भी हो जाता है अच्छा। यानी एक शख्स के बारे में हमें मालूम मिली और ये पता चला कि सब के सब लोग ये कहते हैं बहुत सच्चा आदमी है बड़ा अतमिनान हो गया अब देखिए चार आदमी कह रहे हैं कि सच्चा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मेरे तजुर्बे में तो ये सच्चा नहीं मुझे तो इस पर ये एतराज़ है मुझे ये मालूम मिली हैं तो इसमें बहुत से तजादात बहुत सा तसादम पैदा हो जाता है उसमें फिर फ़ैसला करना होता है आदमी को देख उस फैसले में भी बाज़ात इख्तलाफात हो जाते हैं इसलिए ये सुना होगा कि एक मुहदस ये कहता है कि उसके नज़दीक रवायत काबिल कबूल है दूसरा कहता है काबिल कबूल नहीं ठीक हो गया एक एक रावी को मान लेता है दूसरा नहीं मानता ये देखिए ये बड़ी मशहूर बहस है ना जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम का मामान भी हुई है और जिसके बारे में इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के मुकदमे में कुछ तबसरे भी किए हैं कि इमाम बुखारी को इतसाल के मामले में ये इसरार था कि हमारे पास वाज शवाहद होने चाहिए इस बात के कि मुलाकात हुई है महज ये बात काफ़ी नहीं है कि ज़माना एक है या एक शहर में थे मुलाकात की शहादत भी होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि चीज़ों को जांचने में परखने में भी अहिल इलम में इख्तलाफ हो जाता है और उनके इतलाक़ में भी इख्तलाफ हो जाता है सारी चीज़ों को सामने रख कर आप इस नतीजे पर पहुँचे कि नहीं जो लोग जरा कर रहे हैं उनकी जरा कोई ऐसी अहम नहीं है इसमें फिर बड़ी बड़ी अच्छी ताबीरत हैं कि जरा मुफसर है गैर मुफ्सर है यानि आपने सिर्फ़ यह कह दिया कि यह काबिल कबूल नहीं है सिर्फ यह कह दिया कि मैं इससे रवायत नहीं लेता सिर्फ ये कह दिया कि यह मुनकरल हदीस है या आपने बताया है तफसील के साथ कि आपको एतराज़ क्या है किरदार में क्या ख़ामी है तो इस तरह की बड़ी लतीफ़ बहसें होती हैं इस इलम में ये तारीखी रिकॉर्ड को जाँचने परखने का इलम है कि मैंने थोड़ा सा तारुफ इसका करा दिया और जाहिर है कि आम लोगों से हम बात कर रहे हैं बहुत फ़नी चीज़ें ज़र बहस नहीं लाई जा सकती तो इस तरीके से हमारे पास उन रवायतों के बारे में मुहदसिन की तनकीदें जमा होनी शुरू हो जाती हैं अच्छा। यानी इस फन के माहरीन जो तबसरा कर रहे हैं अब उन तनकीदों को सामने रखें जो इस उम्मत के अंदर बहुत बड़े बड़े जलील महदसिन हुए उन्होंने मुआद जमा किया उन सब को सामने रखें और उसके बाद देखें कि फिर मुहदसिन इन रवायतों को यानी वैसे तो एक आदमी कहेगा अच्छा पाँच सौ के करीब अच्छा तेईस सहाबा से है इनमें से कबूल क्या किया अच्छा यानी वो जरो नकद से गुजारेंगे तो कबूल करेंगे ना ये जो आपने दास्तान सुनाई है एक खुलासा बयान किया है ना मेहदी के मामले में तो जाहिर है कि ये खुलासा जिन रवायतों की बुनियाद पर जमा किया गया है उसमें वाज चीज़ें होनी चाहिए ना ऐसी वाजे चीज़ें कि जिनकी किसी तावील की गुंजाइश ना हो कि तो मेहदी आएंगे उनकी ये नौत होगी ये मामला होगा ये ख़साइश होंगे तुम्हारे ऊपर उनसे मतलब ये जिम्मेदारी है तो ये रवायत फिर वाक्य वो रवायत होगी जिसको जहूर महदी के मामले में पेश किया जा सके इन रवायतों में से मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ फिर दोहरा देता हूँ कि इमाम मालिक ने किसी एक रवायत को भी लेना पसंद नहीं किया अच्छा इमाम मालिक की बड़ी मामूली अहमियत है यानी वो मदीना में बैठे हुए हैं उन्होंने मता वहाँ तरतीब दी है मत् को उनसे सैकड़ों लोगों ने आगे रवायत किया है बड़ी बड़ी रवायतें भी बड़ी अहम हैं और आइम्मा उनसे रवायत करते हैं आम तौर पर यह समझा जाता है कि हदीस की ही उनकी इस किताब से हुई है इब्तदा से मतलब ये नहीं है कि हदीस बयान इससे होना शुरू हुई है नहीं एक बाकायदा किताब की हैसियत से बाकायदा फ़न की हैसियत से ये सब कुछ तरतीब पाया और लोगों ने उसको जा जा के सफ़र करके सीखना शुरू किया बहुत काबिल एतम आप पूरी की पूरी किताब को पढ़ जाइए जिस तरह कुरान मजीद खाली है वो भी खाली है सवाल ये है कि वो तेईस सहाबा जिनका जिक्र किया जाता है उनसे ये खबर इमाम मालिक को क्यों नहीं पहुँची और नहीं पहुँची नहीं पहुँची तो ये भी एक मसला पहुँची और कबूल नहीं किया तो क्यों कबूल नहीं किया इसलिए कि ये मामूली बात तो नहीं है ना एक बड़ी ख़बर दी जा रही है तो मैंने अर्ज़ किया कि अब महदसिन का मैं आपको बता रहा हूँ कि जब यह चीज़ें उनके सामने आई होंगी तो उन्होंने क्या रवैया इख्तियार किया ये मामला तो है पहली दूसरी सदी का उसके बाद तीसरी चौथी में आकर ये आपके इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ये दो किताबें तरतीब देते हैं अब तीन चार सदियाँ गुजर चुकी हैं इस सारे अरसे के दौरान में ये फ़न अपने कमाल को पहुँच चुका है हर चीज़ की तनकी हो चुकी है जो चीज़ें फ़र्ज़ जाए कि एक आदमी के इलम में नहीं वो भी इलम में आ गई हैं अंसार में जो रावी मौजूद हैं उनके हालात इकट्ठे कर लिए गए हैं और बड़ा गैर मबूली काम करके ये दो किताबें तरतीब देते हैं एक अलजाम सही बुखारी की एक अलजाम सही मुस्लिम की ये जानते हैं आप कि बुखारी मुस्लिम बुखारी मुस्लिम आम तौर पर हदीस का ज़िक्र आएगा तो इन दो किताबों का जिक्र आएगा मैं इससे पहले कई मरतबा बता चुका कि हदीस की उमहात कुतुब यानी जो बुनियादी किताबें हैं वो तीन ही समझी जाती हैं एक मत्ई माम मालिक दूसरे बुखारी यह जाम सही तीसरे मुस्लिम के जाम सही इन दोनों में भी आपको इस तरह जिस तरह के आपने बयान किया है कि मेहदी आएगा और उसका नाम ये होगा और ये होगा और वो होगा कोई जिक्र नहीं मिलता अच्छा यानी ये इस तरह बिल्कुल ख़ाली यानी बुखारी अब तो मैं आपसे कर लिए। रहा हूँ कि जो महदसिन ने यानी क्या ये ऐसे ही खाली हो गई असल में महदसिन ने जब इन रवायतों को छानना पटकना शुरू किया है तो उनके मैार पर यह पूरी नहीं उतरी इसको मैंने अपनी किताब में इस तरह बयान किया है कि ये रवायतें मुहदसाना तनकीद के मार पर पूरी नहीं उतरती अब ये बात हो गई इसके बाद दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की हदीस की किताबें ये दर्जात भी जाहिर है कि मुसनफिन के लिहाज से तरतीब दिए गए यानी किसी मुसनफ़ ने मार कितना कड़ा रखा है कोई मुसनफ़ कितनी एहतियात से बात को बयान करता है उसकी किताब में ज़्यादा सही रवायतें हैं उसने अगर कोई ज़ीफ़ रवायत कबूल की है तो कितनी बड़ी तादाद में कबूल की है तो इसको सामने रख कर अब किताबों के दर्जा आते हैं पहला दर्जा तो ही नहीं का था तो पहले दर्जे की किताबें इससे बिल्कुल खाली हो गई यानी मत् भी बुखारी भी मुस्लिम भी इन में जो बात बयान हुई है वो आगे चल के मैं आप करूँगा कि वो क्या बात है कि जिसको इसके साथ मुतलक़ कर दिया गया है दरा की वो बात ही बिल्कुल अलग है तो इन किताबों में जिस तरह लोग समझते हैं या जैसे तसवुर हमारे यहाँ हम मौजूद है या जैसे ये बात बयान की जाती है जहूर बैदी की कोई जिक्र आप एक माज़द। खान साहब दोबारा मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा आपसे कि मोतमा मालिक बुखारी और मुस्लिम ये तीन किताबों में आप ये फरमा रहे हैं कि ूूर मेहदी का लफ्ज़ लेकर कर के मेहदी आसाम आएँगे मेहदी क्यामत से पहले आएँगे उनका गलबा क़ायम होगा दौलत की रेल फेल होगी मुसलमान उनकी तरफ रुजू करेंगे ये जिक्र ये किस्सा ये नाम मेहदी असल का इन तीन किताबों में नहीं है इन तीन किताबों का कोई जिक्र नहीं है इस बात का मैं आपको बता रहा हूँ कि पाँच सौ के करीब तुर्क थे जो तेईस सहाबा से हमें मिल जाते हैं जब सारा रिकॉर्ड हम सामने रखते हैं ये इनके सामने भी मौजूद है सारा का सारा सारि ये इसी में छान पटक कर अपनी किताबें तरतीब दे रहे हैं तो ये इमाम मालिक ने भी नहीं ली ये बुखारी ने भी नहीं ली ये मुस्लिम, मुस्लिम ने भी नहीं ली पहले तो ये बात समझ लीजिए दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की किताबों में जो रवायतें आई हैं अब उनको सामने रख कर फिर उसी असूल उस पर देखें यानी क्या उसूल है वो ये है कि जो मुहदसिन ने तरीका इख्तियार किया रवायत को छानने पटकने का क्या सही या उससे कमतर दर्जे में हसन रवायत होती है सही के बाद क्या इस दर्जे में रवायतें ये पूरी उतरती हैं यानी तेईस सहाबा की जो रवायतें हैं वो तो तुरक हैं मैंने आपको बता दिया यानी वो क्या पूरी उतरती हैं जब आप उनका इस्त करते हैं तो ये मालूम होता है कि उनमें ज़्यादातर मौजू हैं या ऐसी ज़यीफ़ है कि उनका जिक्र भी नहीं कर रहे मौजूद मौजू का है? मतलब है कि ये वाजे हो गया तहकीक के नतीजे में घड़ी हुई बात है। लोगों ने खुद अफ़साना है।, है कहानी है किसी ने बना के बयान कर दिए, किसी सहबी के नाम से नस्बत दे दी गई है मौजू उस रवायत को कहते हैं हमारे यहाँ पूरी पूरी किताबें महदसिन ने तरतीब दी है जो मौजूद को जमा करके बयान की गई हैं वो अलग बात है कि बाज़ लोग उन किताबों ही को बयान करके लोगों को बाज़ करना शुरू कर देते हैं के उसमें वजाहत होती है कि ये किताब मौजू रवायतों की है जैसे मौजूद कबीर है जैसे लानू है तो पूरी पूरी किताबें हैं इन तमाम को तो जमा करने के बाद मालूम होता है कि बहुत बड़ा हिस्सा तो वो है कि जो मौजू है या ज़यीफ़ है ज़ीफ़ का मतलब क्या है यानी वो जो सही के शरात हमने बयान किए उनमें से कोई एक शर्त या दो शर्तें तीनों की तीनों नहीं पाई जाती उनमें जब नहीं पाई जाती तो उसके बाद वो जोफ में चली गई ज़यीफ़ हो गई अब इसकी बुनियाद के ऊपर दीन में कोई बात नहीं कही जा सकती रसालत में आप की नस्बत से कोई बात नहीं कही जा सकती क्योंकि जब वो उस मैार पर पूरी नहीं उतरी तो आप मुहदसिन उसको कबूल नहीं करेंगे और जब महदसिन किसी रवायत को कबूल नहीं करेंगे कबूल नहीं करेंगे देखिए वो कबूल कर लें तो उस पर हम बहस कर सकते हैं कबूल नहीं करेंगे तो जाहिर है कि वो कबूल ना करने के दलाइल दे रहे होते हैं ना वो दलाइल क्या होते हैं वही होते हैं कि सीरत में क्या नक्श रह गया है इतसाल में क्या मसला पैदा हो गया है कोई इल्लत तो नहीं इसके अंदर मौजूद तो बहुत बड़ा जख़ीरा तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है इसके बाद इन दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की किताबों में जो रवायतें बयान हुई हैं जिनको आप सही या हसन के दर्जे में रख सकते हैं यानी सही या हसन के दर्जे में उस मवाद की बुनियाद पर जो आइम्मा रजाल ने फराहम किया है मैंने या आपने ये फैसला नहीं करना होता उस मवाद की बुनियाद पर कि कितनी रवायतें हैं जो जो कुछ भी उनमें बयान हुआ है जिनको भी पेश किया गया है इस जैल में जो भी सामने आती हैं बगैर किसी तनकी के आप उनमें से पहले तो सनत के लिहाज से इंतखब करेंगे ना यानी वो कितनी रवायतें हैं जो किसी न किसी हद तक या तो सही के दायरे में आ जाती हैं या हसन के दायरे में आ जाती हैं मुहदसन ऊपर के मुहदसन नहीं ले रहे हैं उनको सही के तौर पर लेकिन चलिए आप ज़रा नीचे आके उनको कबूल करते हैं तो मालूम होता है कि ये कुल सात वाक़ हैं यानी ये जो 500 सौ तुर्क बयान हुए थे यानी वो 500 सौ तुर्क जो है वो तो तुर्क हैं वो तो समझ लीजिए इस बात को वो तो एक लाख तुर्क हो सकते हैं सात को सात वाकियात यानी कुल वाकियात जो हैं वो सात वाकियात हैं जो इंतखब के उस अमल से गुजरते हैं अच्छा। और इसके बाद वो जो सात वाक्यात हैं उनको फिर सहाबा बयान करेंगे यानी सबसे पहले तो ऊपर जाएंगे ना वाकया एक है वाक्य दूसरा है वाकया तीसरा है यह असल में सहबाई के बयान से मालूम होता है वाक्य का मतलब क्या है वाक्य ये है कि आज एक बात बयान हुई इसको दस लोगों ने सुना ये एक ही वाक्य है एक बात फिर किसी मौके पर बयान हुई अब ये दूसरा वाक्य हो गया बात वही है किसी और पहलू से बयान हो गई तो दूसरा वाक्य तो ये कुल सात वाक्यात हैं जो उसके नतीजे में तनकी के नतीजे में हमारे सामने आते हैं इस वक्त हमारे आज के ज़माने में ये काम तो जारी है ना इसी तरीके से मैं इस वक्त अपनी बात नहीं कर रहा यानी जो मुहदसिन काम कर रहे हैं अलबानी काम कर रहे हैं शुाबरनूद साहब काम कर रहे हैं इसी तरह का एक बड़ा मामूली काम हमारे अब्दुल्ला आज़मी साहब ने किया है जिनको ज़िया आम तौर पर कहा जाता है आज़मी भी कहा जाता है अब्दुल्ला आज़मी साहब हाल में उनकी वफ़ात हुई है उनकी जो किताब इस वक्त शाइ़ हो चुकी है उसमें उनका मकसद क्या था सारी ज़िंदगी उन्होंने लगाई मदीना में रहे वहीं तदरीस करते रहे वहीं मस्जिद नबी में दर्श देते रहे और वहाँ बैठ कर उन्होंने अल कामिल तरतीब दी यानी मकसद क्या था उनका कि जो कुछ भी सही और हसन रवायतें हैं जिनको इमाम बुखारी ने ले लिया जिनको इमाम मुस्लिम ने ले लिया जिनको मत् इमाम मालिक में ले लिया गया और वो भी जो फिर इन दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की रवायतों में आई गर्ज जितना जख़ीरा है उसमें जो चीज़ भी इस मुहदसाना तनकीद के मैार पर पूरी उतरती है और उसे उनकी असलाह में सही या हसन कहा जा सकता है उन सब रवायतों को उन्होंने इस किताब में जमा कर दिया है कई मुजलदात में है उसमें जहूर महदी का बाब है अच्छा उस पूरे बाप को आप सामने रखिए तो वही सात वाक्यात अच्छा वही सात वाक्यात हैं और वो सात वाक्यात उन्होंने बयान कर दिए उसमें यह है कि एक ही सिहाबी एक ही वाक्य को एक जगह इन अल्फाज में बयान कर रहा है दूसरी जगह दूसरे अल्फाज में बयान कर रहा है उसके नतीजे में ये कोई चौदह के करीब रवायतें बन जाती हैं ठीक ठीक यानी वाक्यात यही है थी, थी। अब जब इस जगह पे आप पहुंच गए तो जाहिर है कि अब आप मजीद काम करेंगे देखेंगे उनकी तनकीह करेंगे वाक़ वही हैं उन वाक़ की जब हमने ख़ुद तनकीह की हदीस के काम में तो ये हमारे सामने वो सात रवायतें आ जाती हैं यानी अब यहाँ क्या किया गया है जो कुछ पहले मौजूद था उसमें जहाँ तकरार थी वो निकाल दी गई एक ही बात है दो लोग बयान कर रहे हैं एक ही सहाबी से दो बातें बयान हो रही हैं तो आप उनको निकाल कर बिल्कुल मुतीन तौर पर बता देते हैं कि ये क्या बातें हैं ये है कुल वो जखीरा जो आपके सामने है यानी सात वाक़ सात रवायतें और ये कुल चार सहाबा से अच्छा अब आप उसको जब जमा करते हैं और जमा करके उनको पढ़ना शुरू करते हैं तो मालूम होता है कि उनमें तो बात ही कुछ और है जो कही गई अच्छा लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे पहले इस सारी बात पर अगर कोई एतराज़ है तो वो ज़रूर बयान कर दीजिए मैंने इसलिए तफसी आपको बता दी कि जब लोगों के सामने एक बात आती है ख़ास तौर तो पर आम लोगों के सामने कि ये तो पाँच सौ रवायतें हैं ये तो दो शौरवायतें हैं तो उसको समझना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है यानी वो पाँच सौ नहीं पाँच हज़ार हो सकते हैं इसलिए है कि तौरप तो बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे रवायतें लोगों को मालूम होती हैं एक शख्स ने बैठ कर एक मजलिस में तकरीर कर दी पहली सदी में वहाँ पर पाँच सौ लोग थे उन्होंने सुना 500 सौ ने आगे जाके बयान करना शुरू कर दिया तो तुरक, इससे लाखों की तादाद में चीज़ें बन जाती हैं लेकिन महदसिन के तरीक़े के मुताबिक उसको देखा जाता है कि असल में बातें कितनी थी तो क्या मैंने आपसे अर्ज़ किया सब जख़िया यानी मौजू जयीफ़ सब को जमा कर लें उन 500 सौ के पाँच सौ तुरक को तो तेईस सहाबा के नाम आते हैं जिस वक्त आप तनकीह के अमल से गुज़रते हैं तो मुहदसाना तनकीद के मैार पर सात वाक़ उतर, पूरे उतरते हैं ये इस वक्त भी यही सूरत हाल है यानि ये मेरे पास पड़ी हुई है अलजाम कामिल ये देखिए ये कौन है ये उसताजुलहदीसीसी शरीफ अमीद कलियातहदीस बिल जामतमिया तिल मदीना तिलमवरा अच्छा। यानि मदीना मनवरा में जो जामिया इस्लामिया है यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसमें उस्ताद रहे और ये इससे पहले वालमदर्रस फिल्म मस्त नबी मस्त नबी में हदीस का दर्स देने की सादत हासिल करते रहे बहुत जीरोदर शख्सियत थे और ये काम भी बड़ा गैर मामूली उन्होंने किया है बिल्कुल मुहदसिन के तरीक़े पर है यानी जिन लोगों को कहा जाता है ना कि वो मतजद हैं नई बातें करते हैं ये उस के आदमी नहीं हैं मुहदसिन का जो तरीक़ा जो उसूल रहा है उसमें भी बड़े इख्लाफत होते हैं शुएब और नऊत अख्ताफ करेंगे अलबानी अख्तलाफ़ करेंगे इबन हजर अख्तलाफ करेंगे इससे पहले के लोग इख्लाफ करेंगे लेकिन इख्लाफा के बावजूद एक मनहज है एक तरीक़ा है जो मुहदसिन इख्तियार करते हैं उसी तरीके पर अल अजामकामिल फ़िल हदीस सै शामिल के अनवान से ये किताब तरतीब दी गई है इसमें जो वाक़ बयान हुए हैं उन वाक़ात में कोई कमी बेशी नहीं होती यानी ये मालूम होता है कि वाक्यात ठीक ही हैं अलबत्त ये कि उन वाकत के अल्फाज में कुछ इख्त हो जाते हैं तो उनकी तनकी करके हमने उनका ख़ुलासा मरतब कर दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ अब सब बहुत आपने तफसील से बताया कि ये जो ूर महदी का एक विलुमू हमारे समझा जाता है अकीदा है और उसकीदे की जो दास्तान मैंने आपको इब्तदा में सुनाई आपकी गुफ्तु का मैं अब तक का ज़रा मुख्तसर सा ख़ुलासा जो सुनने वाले उनको कर दूँ फिर हम बहस को आगे लेकर बढ़ेंगे यानी आप ये फरमाते हैं कि ूरूर महदी का जब तस्वुर सामने आया और लोगों ने यह दावा किया कि ये रसुल्ला वसलम ने पेशन गोई फरमाई थी तो रसोल्ला से मनसूब बातों को जाँचने के लिए जब आप गए हैं बल्कि बाकी महदसिन भी गए हैं तो ना मौत में ूर मेहदी की ये दास्तान है ना बुखारी में है ना मुस्लिम में है और फिर जो कहा जाता है मुतवा रवायात हैं सैकड़ों की तादाद में उनकी तनकीह ख़ुद महदसिन ने कर दी आपने नहीं की तो वहाँ पर भी वाज़ हो जाता है कि बेशतर रवायात इसमें ज़यीफ़ हैं मौजू हैं कुल वाकयात सात हैं और उन सात वाक़ात को चार सहाबा नक़ल कर रहे हैं अब मेरा आपसे सवाल ये है कि यहाँ तक तो आपने जो करना था कर दिया महदसिन का हवाला देकर ये जो चार सहाबा और सात वाक़ हैं इनको तो आप मानते हैं कि इनको भी नहीं मानते मैं अर्ज़ करूँगा अभी पहले मैं दूं ये गुजारिश कर दूँ कि ये तासर ना हो कि ये काम मैंने कर डाला है यानी हम उसी चेन में खड़े हुए इस वक्त मज़ीद तनकीह का काम कर रहे हैं लेकिन ये सब कुछ वो है जो हो चुका है इससे पहले यानी मैंने आप आपदमत में अर्ज़ किया कि ये जो अलजामिल कामिल फिल हदीस सही शामिल है ये मेरे नुक़ः नज़र के किसी आलिम ने तरतीब नहीं दी अच्छा। ये जो महदसिन का गिरोह हमेशा से रहा है उसी के आदमी हैं और मदीना में बैठ कर इन्होंने ये काम किया दुनिया भर में हमारे जो पुराने हैं वो सब इस काम को तस्लीम कर रहे हैं इन्होंने जो तनकी की है उससे नतीजा क्या निकला है वही सात वाकियात वही सात वाक़ दो सहाबा इसमें जायद हैं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा यानी वाक़ वही उन वाकयात को मैं आपके सामने रखूँगा फिर देखिए कि उन वाकयात से क्या वो दास्तान साबित होती है जो लोगों में राइज है या कोई और बात मालूम होती है ये जो सात वाकयात चार साहबा हैं इनकी सनत पर कोई यात्रराज बाकी नहीं रहा नहीं देखिए सनत पर एतराज़ बाकी नहीं रहा वो तो एतराज़ बिल्कुल बाकी ना होता तो बुखारी क्यों ना लेते मुस्लिम क्यों ना लेते यानि आप अपने मैार को थोड़ा कम करते चले जाते हैं उससे आप कबूल कर लेते हैं मिसाल के तौर पर एक शख्स के बारे में तनकीदें हैं एक रावी के बारे में लेकिन आपने अच्छे पहलू जो थे उनको तरजीह देकर रवायत कबूल कर ली है तो इसलिए ये तो नहीं कि कोई अदराज़ बाकी नहीं रहा काबिले इतना हो गई है यानी वो काबिल इतना हो गई है अब उसको आप रद्द नहीं करेंगे उसको सामने रख कर समझने की कोशिश करेंगे उसको कुरान की रोशनी में देखेंगे ये अभी तक जो गुफ्तू हो रही है वो ये हो रही है कि सनत के लिहाज से यानि रवायत का फ़न वो फ़न जिससे तारीख़ी रिकॉर्ड को जाँचा जाता है उसके नतयज क्या निकले हैं अब तक ये नतयज अहल इलम ने निकाल दिए हैं इनमें मुझे कुछ नहीं करना मैं तो आपके सामने उनका खुलासा रख रहा हूँ कि उसमें ये वाकियात हैं जो बयान हुए हैं उन वाकियात को आप देखेंगे ना क्या है जी। मैं उनको जैसे वो बयान हुए वैसे ही मान लूंगा लेकिन फिर आप ये बताएंगे मुझे कि जो दास्तान हमारे पास मौजूद थी जिसको अकीदा बनाया जा रहा था वो इनमें पाया कहाँ जाता है यानी यहाँ तक तो अभी ये था कि इधर उधर की कहानियाँ सुनने के बजाय इधर उधर की दास्तान सराई की बजाय पहले देखें तो सही कि हमारे पास मवाद क्या है क्या चीज़ है क़ुरान में कोई जिक्र नहीं इस अकीदे का या इस नज़रिए या इस बात का हदीस की कुतुब में कोई जिक्र नहीं दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की किताबों में जिक्र आना शुरू हो जाता है ज़िक्र क्या आया है जब उसकी आप तनकीह का अमल करते हैं तो बेशुमार चीज़ें तो मौजूद और ज़ीफ़ करार पाके वैसे ही निकल जाती हैं जो कुछ बाक़ी बचता है मुहदसाना तनकीद के नतीजे में वो ये है ठीक लेकिन अब हम ये कहते हैं कि अगर इस पर कोई मसला बाकी नहीं रहा तो आइए देखते हैं वो है क्या ठीक है हम सब इस पर तो कोई मसला होगा तो हम पहले उन उनमह से पूछेंगे जिन्होंने इसकी तनकी की है क्योंकि इसमें आप तो मुनफरद हैं नहीं तो मैं चाहूँगा आगे बढ़ते हैं और अब आप बरह रास्त वो रिवायतें बयान करें जो आपके यहाँ भी काबिल कबूल हैं और ये बताइए कि उनमें तो कहीं ना कहीं जहर महदी का जिक्र आपके यहाँ पे फिर मैं अर्ज़ कर दूँ नहीं महदसिन के नज़दीक काबिल कबूल है यानी अभी मैंने अपनी कोई राय नहीं दी मैं तो आपके सामने इलम की पूरी तारीख रख रहा हूँ इस इल्म में क्या मसला था बात कहाँ से शुरू हुई इसकी पूरी तारीख में अहल इल्म इस पर क्या राय देते रहे और अहल इल्म से मेरी मुराद महदसिन अभी मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा यानी मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि अगर आप बाकी लोगों की बात करें नीचे से ऊपर तक जाएँ तो हमारे यहाँ लामा इकबाल ने इसको मजूसी अकीदा करार दे के वैसे ही रद्द कर दिया उबैदल सिंधी साहब ने इसके ऊपर सवालात उठा दिए दिएामा तमन्ना इमादी साहब ने एक पूरी किताब लिख दी और यह बता दिया कि यह बिल्कुल ही बेमानी अकीदा है इबन खलदून इससे पहले शदीद तनकीद अपने मुकदमे में इसके ऊपर कर चुके हैं सैयद रशीद रजा साहब ने बेशुमार सवाल उठा दिए तो ये तो के इस मामले में ख़्यात हैं या नुकतः नज़र है मैं जो गुज़ारिश कर रहा हूँ ये कि ये जो कुछ मैंने बयान किया है वो इन इना की अभी कोई बात ही नहीं बयान की कि अहल इलम क्या राय रखते रहे हैं इबन खलदून के मुकदमे में आप देखें तो उन्होंने तो किसी एक चीज़ को भी इनमें से कबूल करने के लिए आमादगी ज़ाहिर नहीं की सैयद रशीद रज़ा साहब को देखिए तो वो बड़ी वजाहत के साथ ये बात बयान करते हैं मिसर के जीरोलकद्रल में अलमनार के मुसनफ़ हैं मोहम्मद अब्दाऊ के शागिर्द हैं वो तो ये बयान करते हैं कि ये दरहक़ीकत जिस वक्त अलवी हज़रात बहुत कुछ जद्दोजहद करने के बाद मायूस हो गए तो उनको उम्मीद दिखाने के लिए घड़ी गई यानी उनका तबसरा कमो बेश खुलासे के लिहाज से इनको मौजू करार देने ही का है किसी को भी नहीं कबूल करते लेकिन मुहदसिन के तरीक़े के ऊपर जिन लोगों ने जायज़ा लिया है उन्होंने ये इंतखब किया ये है ये इंतखब मेरे नज़दीक इस इंतखा की हद तक काबिल कबूल है यानी आगे ये होता है कि आप उसका मतलब क्या ले रहे हैं उसका मुद्दा क्या है उसके बारे में आप कुरान सुन्नत की रोशनी में क्या बात करेंगे अकले आम की रोशनी में क्या बात करेंगे ये बात की चीज़ें हैं अभी तो ये सारा मवाद तनकी के नतीजे में इन वाकयात की सूरत में हमारे सामने आ गया है तो इस पर जब हम गुफ्तू करेंगे तो एक एक को लेंगे ना सबसे पहले देखते चले जाएँगे किस सहाबी से है किस तरह नकल हुई है क्या अल्फाज हैं तो हम इन सातों वाक्यात को अब पढ़ते हैं इजाज़त है इस बात यार बाकी चीज़ें खत्म हो गई अब मैं आपके सामने वो खुलासा रख देता हूँ सबसे पहली रवायत अबू सईद खुदरी रजी अ से इसके अल्फाज में पढ़ देता हूँ काला कला रसूल सल्लासम यकून फ़ी आखिर ज़मान खलीफ़त यकसमलाउद्द हो वान फ़ी लफज अबी सल्लम कल यकून बादी बादी यहसिल यहसलवाला हसिया वला व जाफ़ वजाफी तरीकिन रसूल वसल्लम क़ाल मिन खलफ़ायम खलीफ़तुल यहसलमाला हसिया ला रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू सईद खुदरी ने बात सुनी है ये अब ये देखिए कि इसमें भी जिस वक्त वो बयान कर रहे हैं तो बयान करने के बाद आगे लोग उसको रवायत करेंगे ना उसमें क्या इख्तलाफात हो गए हैं वो भी सामने रखें ये रवायतें अब मैं तर्जुमा करके आपको सुना रहा हूँ अब सैद रजील से रवायत है यानी जो मैंने पढ़ा है उसी का तर्जुमा कर रहा हूँ अबू सईद रजील्हू से रवायत है वो कहते हैं रसूल सल्लाम ने फरमाया आखिरी ज़माने में एक हुक्मरान होगा ये लफ में रखें अल्फाज खलीफतन आखिरी ज़माने में एक हुक्मरान होगा जो माल को बगैर गिने लोगों में तकसीम करेगा यानी बहुत फ़्याज होगा बगैर गिने तकसीम करेगा परवाह नहीं करेगा फयाज होगा अब इन अल्फाज में मेहंदी कहाँ है ये रिवायत का तर्जमा आप कर रहे हैं कर दिया, रिवायत का तर्जमा। यानी अबू सईद खुदरी बयान कर रहे हैं एक हुक्मरान होगा हमारे मुसलमान उम्म में बहुत हुक्मरान हुए हैं फ़याज़ भी हुए हैं बकील भी हुए हैं अच्छे भी हुए हैं बुरे भी हुए हैं उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसी जलील कदर शख्सियत भी हुई है मुतवक् जैसा हुक्मरान भी हुआ है कि जिसने इमाम अहमद बिन हम्बल को उस सूरत हाल से निकाला तो अच्छे बुरे हुक्मरानों की एक पूरी की पूरी, पूरी कतार है मौजूद है उसमें फरमारे आखिरी ज़माने में एक हुक्मरान होगा जो माल को बग़ैर गिने लोगों में तकसीम करेगा अच्छा ये एक तरीक़ हो गया एक दूसरे तरीक़ में अबू सईद रज़ी इसे एक तरीक़ में ये अल्फाज आए हैं यानी यही बात वो बयान कर रहे हैं अल्फाज तब्दील हो गए देखिए क्या तब्दीली हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद एक ऐसा हुक्मरान होगा अब आखिरी ज़माना ख़त्म हो गया अच्छा पहले तो वही बात वही अबू सईद खुदरी वही वाक्य बयान कर रहे हैं मेरे बाद एक ऐसा हुक्मरान होगा जो लोगों को खूब माल अता करेगा उसकी गिनती नहीं करेगा वही बात अल्फाज वही हैं लेकिन वहाँ यह था आखिरी ज़माने में इसमें यह है कि मेरे बाद और एक तरीक में उन्हीं से आपके ये अल्फाज रवायत हुए हैं तुम्हारे हुक्मरानों में से एक हुक्मरान ऐसा होगा जो लोगों को खूब भर भर कर माल देगा उसको शुमार तक नहीं करेगा एक। ये एक वाक्य मैंने आपके सामने बयान कर दिया इसमें मेहंदी का मुझे ये बताइए कि इसमें मेहंदी का कहाँ जिक्र है इसमें जो तस्वुरा लोगों ने कायम किए हैं उनका कहाँ जिक्र है अच्छा इस तरह का कोई हुक्मरान हो जाएगा तो मुझे उसका इनकार करने की क्या ज़रूरत है यानी ये बात अगर रसालत में आप ने फरमाई है और आपकी तरफ़ इसकी नस्बत सही है तो आ जाए ऐसा एक हुक्मरान अल्लाह का शुक्र है लाख हुक्मरान ने आना है ना यानी किसी आसमानी शख्सियत ने आना है किसी पर मैंने ईमान लाना है किसी की मैंने बात माननी है हुक्मरान अच्छे बुरे आते रहते हैं आप देखेंगे मुगलों के अंदर शाहजहान जैसा हुक्मरान भी आया औरंगज़ेब जैसा हुक्मरान भी आया शेर शाह सूरी जैसा हुक्मरान भी आ गया बहुत गैर हुक्मरान आते रहे हैं तो चलिए एक हुक्मरान आखिरी ज़माने में आ गया रसूलुल्लाह के बाद आ गया जिस हुक्मरान के बारे में आप फरमाते हैं कि माल भर भर कर देगा ठीक तो ये हो पहली रिवायत पहली रिवायत पहला वाक्य इसमें तीन तरीक़ हैं जो जेर बहस आ गए ये वो तरीक भी आप समझ लेंगे यानी अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह रवायत कर रहे हैं एक तरीक़ में ये अल्फाज है दूसरे तरीक़ में ये अल्फाज है तीसरे तरीक़ में ये अल्फाज है इनको मंतब कर लिया गया है ठीक तो मैं ये पूछ रहा था कि ये पूरी की पूरी बात का इनकार करने की क्या वजह इस है इसमें मेहदी कहाँ है इसमें वो तसवुर कहाँ है एक हुक्मरान के पैदा होने की पेशींदोई की गई है ये रिसालत मबल व नस्बत से अगर सही है तो ऐसा कोई हुक्मरान पैदा हो जाएगा और हो सकता है कि मैं ऊपर निगाह डालूँ बारह तेरह सदियाँ गुजर गई हैं तो मैं कुछ हुक्मरानों पर इसका इतलाक़ भी कर दूँ मसलन मतलब मैं अगर इतनी ही बात पढूं तो मेरी निगाह फ़ौर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ जाती है वो ऐसे ही हुक्मरान थे ऐसे ही उनकी शख्सियत थी तो वो आ गए अच्छा हो सकता है कोई दूसरा आदमी किसी और शख्स पर इसका इतलाक़ कर दे लेकिन इसमें महदी कहाँ है इस पहली रवायत में एक बात की मज़ीद वजहत कर दो आगे चलने से पहले वो ये कि इसमें कहा गया मेरे बाद एक हुक्मरान होगा या आखिरी ज़माने में एक हुक्मरान होगा तारीख़ का एक तालब इलम ये पूछेगा कहाँ होगा इसलिए कि पहले ज़माने ही में बनो मैया की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई ठीक एक सदी 125 में गालबन ख़त्म हुई है 124 में उसके बाद एक हुकूमत मुसलमानों की हस्पानिया में कायम हो गई एक अब्बासियों की कायम हो गई उसके बाद फातमियों की कायम हो गई उसके बाद स्स्मानियों की खिलाफत कायम हो गई अच्छा फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर सुल्तानियाँ कायम होने लगीं ये खारजम शाही हैं ये सरजूकी हैं ये मुग़ल हैं ये सब हैं कहाँ होगा ये हुकूमत ये भी एक सवाल है यानी मुसलमान कोई एक ही जगह तो नहीं है ना दुनिया भर में फैल गए दुनिया भर में फैले हैं इसको जहन में रखिएगा इस बात को इसके बाद जो दूसरी रवायत है वो अभी नजरा की है यानी अब ये दूसरे सहाबी आ गए अब वो नजरा कहते हैं अन अभी नजरा काला कुन्ना इंदा जाबिर इबन अब्दुल्ला यानी सिहाबी कौन से हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला है अभी नजरा उनसे रवायत कर रहे हैं तो वो कहते हैं कुन्ना इंदा जाबिर इब्न अब्दुल्ला फ़काल यूशिक्हिलाफ़ी वला दरहम कर न्नमिनजाकालमिन कबल यमनऊालिकमकाल ूशिक्हामिलहम दी नाराला मुत करुल नमिन नजाक कलमिन कबल रूम यमनजाकम्सक़त हुन सकाल कला रसूल सल सकून फ़ी आखिर उमती खलीफ़त यहसिल माला हसिया ला य उद्दू अददा अब ये देखिए अब नज़रा से रवायत है वो कहते हैं कि हम जाविर बिन अब्दुल्ला दूसरे सहबी जाविर बिन अब्दुल्ला हैं माजरत के साथ हम जाविर बिन अब्दुल्ला पहले कौन थे अबू सईद खुदरी हम जावे बिन अब्दुल्ला अब्दुल्ल रज़ील्ला के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने कहा वो वक्त करीब है वो वक्त करीब है कि अहले इराक़ के पास कोई कफ़ीज़ आएगा ना कोई दिरहम ये पैमानों के नाम हैं और सिक्कों के यानी धरम की सूरत में नकदी वगैरह जैसे सोने चांदी के द्रहम होते थे दिनार सोने के होते थे धरम चांदी के होते थे और कफ़ीस मापने वगैरह के पैमाने हैं अहले इराक़ के पास कोई कफ़ीज़ आएगा ना कोई दरहम हमने पूछा ऐसा कहाँ से होगा मतलब क्या है कि दौलत जो आ रही है या आएगी वो बंद हो जाएगी अहले इराक़ के हानि हमने पूछा ऐसा कहाँ से होगा उन्होंने कहा अजम की तरफ से वो उसको रोक लेंगे ठीक यानी अहल अजम की तरफ से जो मुसलमानों का नजम कायम हुआ उसको खराज मिलना बंद हो जाएगा फिर कहा करीब अहले शाम के पास कोई दीनार आएगा ना कोई मुत यानी ये फिर पैमानों के नाम है जिस तरह कफ़ीज़ एक पैमाना है इस तरह मुद एक पैमाना है इसी तरह से दीनार सिक्का है उस ज़माने का हमने पूछा ऐसा कहाँ से होगा उन्होंने कहा रोम की जानब से वो इसको रोक लेंगे यानी गोया एक ताख्त रोम की जानब से होगी एक ताख्त फारस की जानब जानब से होगी अजम की जानब से होगी नतीजा क्या निकलेगा कि मुसलमानों के हाँ या उनकी सल्तनत के मरक़ में ये चीज़ें आनी बंद हो जाएंगी। ये देखिए अभी कोई जिक्र नहीं हो रहा ज़माने के बारे में एक पेशींदोई हो रही है फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा किसने कहा जाबे बिन अब्दुल्ला रज़ील्ला उन्होंने कि रसोल्ला सल्ला व फ़रमाया मेरी उम्म के आखिरी ज़माने में वहाँ क्या था मेरे बाद ये क्या कहते हैं आखिरी जमाने में एक हुक्मरान होगा जो लोगों को खूब माल अता करेगा उसको शुमार तक नहीं करेगा ठीक यहाँ भी कौन सा महदी वही हुक्मरान कौन सी जंग कौन से रात है हाँ। वही हुक्मरान अबू सईद खुदरी ने भी ये बात सुनी रसोलम से कि एक हुक्मरान होगा बयान कर दी उन्होंने भी इससे जायद कोई बात नहीं बयान की और जाबिर बिन अब्दुल्ला ने भी ये बात सुनी हो सकता है एक ही मजलस में सुनी हो हो सकता है किसी दूसरी मजलिस में सुनी हो ये बयान कर दी और वही बात जो वहाँ बयान हुई थी कि वो माल अता करेगा लोगों में बड़ा फयाज़ होगा और वो लप भर भर के लोगों को माल देगा इस तरह के अल्फ़ाज़ भी आए हैं बाज़ तरीकों में शुमार तक नहीं करेगा यानी उसकी फ़याजी का बयान एक फ़याज़ हुक्मरान होगा मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका कि इसमें भी कोई उस तरह की बात नहीं है जिस तरह के लोग आमतौर पर ख्याल करते हैं इसका हवाला बताइएगा दूसरी रिवायत रवायत अब्दुल्ला की है दोनों का हवाला पहले देख लीजिए जी यानी पहली रवायत का मतन हमने सही मुस्लिम से लिया ये बहरस कर चुका हूँ ना इससे पहले कि बुखारी मुस्लिम में कोई जिक्र नहीं है किसी महदी का अच्छा असल में ये रवायतें हैं जिनको उस जैल में बयान कर दिया जाता है वो क्या बयान कर रहे हैं एक हुक्मरान के आने की खबर दे रहे हैं एक हुक्मरान के पैदा होने की पेशन वो बयान कर रहे हैं और कुछ भी नहीं बयान कर रहे हैं। ये मुस्लिम से लिया गया है और 2914 है यानी ये मुस्लिम का चौदह आपने कबूल किया है लेकिन इसमें मेहदी का कोई जिक्र ही नहीं है सिरे से यानी इसको रद्द करने की वजह क्या है भाई एक हुक्मरान हुआ दस ऐसे पैदा हो जाए बड़ी खुशी की बात है यहाँ बताया जा रहा है एक हुक्मरान पैदा होगा बहुत फैयाज होगा माल गिन गिन कर देगा इसमें मेहंदी कहाँ से दाखिल हो गया कोई चीज़ नहीं दूसरी रवायत का मतन भी हमने मुस्लिम से लिया है और वो दो हजार नौ सौ तेरह है सहाबी तब्दील हो गए हैं यानी वो अबू सईद खुदरी की रवायत थी उसके तीन तरीक ले लिए गए हैं और ये जाविर बिन अब्दुल्ला रज़ील्ला की रवायत है इसके बाद अब आगे बढ़िए जाविर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह की मज़ीद कुछ रवायत भी है वो क्या कहते हैं समया जाविर अब्न अब्दुल्ला समिया जाबिर अब्न अब्दुल् रसूल सकूल ला तज़ाल तायफ़तम बिन उम्मती युका हक ज़ाहरीन अलायोमिलक्याम काला फ़यज़ल यबन मरियम बैन अल अज़ानैन फ़यकूल अमीर हम ताल सल बिना फ़यकुल्ला बाजुम अलाबाजन उमरा तकर मतल हाजमा अब यह भी जाबिर बिन अब्दुल्ला ही का बयान है वही से हबी जो इससे पहले ज़र बहस थे जावे बिन अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना यानी यहाँ वो समात की तस्री करते हैं मैंने सुना मेरी उम्मत का एक गिरोह मुसलसल हक पर कताल करता रहेगा यानी दुनिया में फितने पैदा होंगे खराबियाँ पैदा होंगी लेकिन एक गिरोह हक पर रहेगा और वह इसके लिए लोगों से लड़ता रहेगा और क़्यामत तक गालिब रहेगा आपने फरमाया फिर हज़रत इबन मरीम किसी नमाज की अजान विकामत के माबैन नाजिल होंगे तो उस गिरोह का वो जो गिरह है जो हक पर होगा उस गिरोह का अमीर ईसा इबन मरीम से अर्ज़ करेगा कि आप तशीफ़ लाइए और हमें नमाज पढ़ाइए इस पर वो जवाब देंगे नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ाऊँगा इसलिए कि अल्लाह ने इस उमत को ये एज़ाज़ बख्शा है कि तुम इसमें से बाज बाज़ के अमीर हैं इसमें मुझे बता दीजिए मेहदी का कहाँ ज़िक्र है यानी सैदना मसीह अल-इस्लाम के नजूल का ज़िक्र है इस पर हम बाद में किसी वक्त गुफ्तू करेंगे यानी उनका ज़िक्र है वो आएंगे आ के वो नमाज के मौके के ऊपर मुसलमानों की सब में मौजूद होंगे कौन लोग होंगे जो उनका इस्तबाल करेंगे उस गिरोह के लोग होंगे जो हमेशा हद पर रहेगा उनका कोई अमीर होगा और वो अमीर जवाब में ये बात कहेगी यानी वो आके नमाज़ पढ़ना चाहेंगे वो ये कहेंगे कि तुम ही आगे रहो और ये कहेंगे कि सुम्मत का एजाज़ है किसी के लोग इमामत कराएंगे इसमें अमीर का ज़िक्र है इमाम का ज़िक्र है यहाँ वो मेहदी कहाँ है यानी महदी अल्फाज में मशहूर इस रिवायत में भी नहीं है अल्फाज में महदी का लफ्ज होना तो एक तरफ़ रहा कोई खसूसियत भी नहीं है यानी जो तस्वुर बयान किया जाता है उसका कोई शाइबा भी नहीं है कोई भी इमाम हो सकता है मुसलमानों का एक गिरोह हक पर होगा होगा अच्छी बात है रहें लोग हक पर अच्छा सैदना मसीह इस्लाम का नजूल हो गया चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हो गया हो गया और जहर नमाज तो पढ़नी है हम भी पढ़ रहे हैं उन्होंने भी पढ़नी है कोई मुसलमानों का इमाम भी होगा अगर वो आ गए हैं तो आप इमाम हो तो आप भी तो यही आगे बढ़ के कहेंगे ना कि जी हुजूर आप नमाज़ पढ़ाइए अल्लाह का एक पैगंबर आसमान से नाजिल हो गया है इस बात पर कि उनके नजूल का क्या मामला है उस पर बाद में गुफ्तू करनी है हमने अभी एतराजात के जहल में इस वक्त तो मैं ये रवायत आपके सामने रख रहा हूँ कि इस रवायत में उनसे से करेंगे ना आप कोई भी इमाम करेगा वो जवाब में कहते हैं कि नहीं भई आप ही नमाज़ पढ़ाएँ ये रोज़ मामला होता है हम किसी जगह जाते हैं मस्जिद के इमाम साहब जो है मुझे देख कर आपको देख कर कहेंगे कि जी नमाज़ पढ़ाइए हम जवाब में ये कहते हैं कि नहीं आप एक को नमाज़ पढ़ानी चाहिए आप इस मस्जिद के इमाम हैं अच्छा उसमें अगर सैदना मसीह इस्लाम ये कहेंगे कि तुम लोगों को अल्लाह ताला ने यह इज़्ज़त बख्शी है कि तुम्हारे इमाम तुम ही में से होते हैं तुम्हें किसी और की इमामत कबूल करने की ज़रूरत नहीं है और जो उस वक्त इमाम होगा वो नमाज़ पढ़ा देगा तो इसमें इमाम महदी कहाँ से दाखिल हुआ इसमें जहूर महदी के लिए क्या दलील है वो बताइए क्या है इस रवायत का मतन हमने मुस्द अहमद से लिया है और इसका रकम क्या है पंद्रह हज़ार एक सौ सत्ताईस ये इसकी यानी आप देख सकते हैं इसको इसमें सैदना मसीह इस्लाम के नजूल का जिक्र तो है इस रवायत में इन पर हमें अलग से तब्सरा करना है लेकिन इसमें इमाम मेहदी का क्या जिक्र है ठीक है और ये आप, मैं आप चर्च करूँ हो क्या रहा है हो ये रहा है कि वो खलीफा लोगों ने कहा यह वो मेहदी है जो हमारे जहनों में मौजूद है अच्छा एक फयाज़ हुक्मरान होगा ये वही मेहदी है अच्छा इसी तरह यहाँ मुसलमानों का अमीर या इमाम होगा ये वही महदी है लेकिन सवाल ये है कि ये रवायतें कहाँ बयान कर रही हैं इस बात को इनमें तो कोई जिक्र नहीं है वहाँ एक का जिक्र था यहाँ नमाज के एक इमाम का जिक्र है हमारी हर मस्जिद में एक इमाम मौजूद है कोई गिरोह अगर हक पर है और वो मुसलमानों के अंदर हक़ की दावत दे रहा है तो उनके यहाँ भी बहुत से इमाम मौजूद होंगे कितनी मुसलमानों में तहरीकें हैं अखवान उठे हैं जमात इस्लामी उठी है जो बंद मौजूद है उन सब क्या इमाम मौजूद है किसी मस्जिद में भी तशरीफ़ लाएँगे अगर सैदना मसीह इस्लाम तो वहाँ कोई इमाम तो होगा वो इमाम इमाम मेहदी कैसे हो गया वो उस तस्वर के अंदर कैसे डल गया यानी इनमें कोई जिक्र इस जगह भी आपको नहीं मिलेगा ठीक हो गया आगे चलते हैं ये हो गई तीसरी जाबिर बिन अब्दुल्ला सबसे पहले अबू सईद खुदरी फिर जाबिर बिन अब्दुल्ला और फिर दोबारा जाविर इसके बाद अबू हुरारा रजील् की रवायत है यानी हमने इससे पहले जाबिर बिन अब्दुल्लह की रवायत देखी अब अबू हुरैरा है अबू हुरा रजी लाऊ की रवायत है काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफा बिकुम इज़ा नजल फ़ीकुम ई मरियम मिन मिनसमा हकमन फम्मुम अवक इमाम कम मिनकुम वजा फी तरीकन अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अल्लास कल कैफ़ा अन तुम इज़ा नजल अब्न मरियम फ़ीकुम व अम्मकुम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी जब ईसा इब्न मरियम आसमान से तुम्हारे दरमियान हकम के तौर पर नाजिल होंगे यहाँ पर भी बात किन की हो रही है ईसा इस इब ने मरीम के नजूल की ये जो रवायत है ये जाम मामर बिन राशिद से है और इसका रकम है बीस हजार आठ सौ इक्यालीस अबू खुर रजीलू की रवायत है वो नाजिल होंगे आसमान से अच्छा उस मौके पर इमामत तुम्हें में से कोई शख्स करेगा जो अल्फाज हैं रवायत के वो ये हैं फम्मा कुम या इमामों कुम मिन कुम अब इमाम का लफ्ज़ आप जानते हैं कि मुसलमानों के यहाँ मस्जिद के इमाम के लिए भी इस्तेमाल होता है और हुक्मरान के लिए भी इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ मुसलमानों के हुक्मरान को ख़ास तौर पर हमारी फ़िक में इमाम ही कहा जाता है इसलिए आप इसका दोनों तरह तर्जुमा कर लीजिए कि उस मौके पर तुम्हारी नमाज की इमामत तुम्हें से कोई शख्स करेगा या उस वक्त हुक्मरान तुम्हारे अंदर से कोई शख्स होगा तुम्हारे अंदर से कोई शख्स होगा इमामों को मिन कुम इसके बाद अबू हर रजील्न से एक तरीक़ में रसोल वसम का ये इरशाद इस तरह नकल हुआ है उस वक्त तुम्हारी क्या शान होगी जब ईसा इबन मरियम तुम्हारे दरम्यान नाजिल होंगे और वो तुम्हारी इमामत करेंगे अच्छा इमाम भी वही होगा यानी पहले ये जिक्र था कि तुम्हारा इमाम तुम्हारे अंदर से होगा यहाँ ये वो तुम्हारी इमामत करेंगे यहाँ पर भी आप इमामत के लफ्ज़ को दोनों मानी में लेके ले देख ले लीजिए यानी सैदना मसीह इस्लाम हुक्मरान हो जाएंगे तो मसीह इस्लाम का जिक्र हुआ अच्छा वो तुम्हारी नमाज की इमामत कर देंगे तब भी उन्हीं का जिक्र हुआ इसमें भी इमाम मेहदी कहाँ है ठीक यानी आप सहूर महदी की बात कर रहे थे ना तो ये रवायत अबू हुररान रजीनऊ की भी ये उसको कहाँ बयान करती है मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका कि इसमें जो सैदना मसीह के नजूर की रवायात हैं वो हमारा मौजूँ है उन पर हमने किसी वक्त गुफग करनी है लेकिन इस वक्त तो इमाम मेहदी ज़र बैस हैं इस रवायत में भी आप मुझे बताइए कोई जिक्र है उनका किसी दर्जे में अच्छा उसके बाद अन अब्बुल्ल अबन मसूद काला कला रसूल सल्लम ला तज़ब दुनिया حتى يبا الله رجل من اهل بيتي يواتي اسمه اسمي واسم ابي هي اسم ابي وانه في لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلي من هذه الأمة رجل من أهل بيتي يواتي اسمه اسمي يملأ الأرض عدلا كما مليت جورم وظلما وجانه في بعض الطرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكزي الأيام ولا يذهب الدهر हत्या यमल अरब रजलुम मनाहलेती इसम हो युवा इसमी अब ये मैंने आप से किया कि अब्दुल्ला बिन, बिन मसूद रजी अल्लाह की रवायत है अब्दुल्लह बिन मसूद रजी अल्लाह की ये रवायत भी सुन लीजिए क्या मतलब है इसका इससे पहले हम जावेद बिन अब्दुल्ला की रवायत देख चुके अबू हुरैरा रजी अल्लाह की रवायत देख चुके अबू सईद खुदरी की देख चुके अब्दुल्ल बिन मसूद रज़ी रजील्ला से रवायत है वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया दुनिया ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि अल्लाह ताला मेरे अहले बैत में से एक शख्स को लाएंगे जिसका नाम मेरे नाम के और जिसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम के मुआफ़ होगा अब्दुल्ला बिन मसूद रजी लावी से एक तरीक़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज आए हैं क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से उम्मत का एक मेरा हम नाम शख्स हुक्मरान बनेगा जो ज़मीनों ज़मीन को अदलो इंसाफ से ऐसे ही भर देगा जैसे वो पहले सितम से भरी होगी उन्ही से एक तरीक़ में बयान हुआ है कि अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ज़माना और अमाम दुनिया ख़त्म नहीं होंगे यहाँ तक कि मेरे अहल बैत में से मेरा हम नाम एक शख्स अरब का हुक्मरान बनेगा अब देखा आपने क्या हुआ यानी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ला एक स्यावी हैं वो बयान करते हैं एक ही वाक्य है अब मुख्तलिफ लोग उनसे रवायत कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ में ये बात कैसे आ गई है पहली बात यह हुई कि मेरे अहल बैत में से एक शख्स को उठाया जाएगा क्या मतलब है इसका यानी कोई शख्स पैदा होगा कोई शख्स सामने आएगा उसके बारे में क्या बताया गया उसका नाम मेरे नाम के और बाप का नाम मेरे बाप के नाम के मुआफ़ होगा गोया उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा एक शख्स आएगा कोई मजीद वजाहत नहीं कोई मजीद चीज़ नहीं यही रवायत यही अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह एक दूसरे तरीक में क्या बयान करते हैं कि मेरे अहिल बैत में से इस उम्मत का मेरा हम नाम एक शख्स हुक्मरान बनेगा अच्छा नाजिल का कुछ नहीं है नाजिल होना नाजिल होने कोई वहाँ था उठाएँगे या वो आएगा या अल्लाह ताला लाएंगे यहाँ पर ये यह होगा कि एक हुरान होगा यानी जो बात पहले बयान हो रही थी वही बात, बात यहाँ भी आ गई अच्छा ये ज़मीन को अदलो इंसाफ से बर देगा वही बात यानी पीछे भी वहाँ यह था कि फयाज होगा हाँ। माल बांटेगा लोगों में बहुत फयाजी से देगा यहाँ क्या है अदलो इंसाफ से ज़मीन को बर देगा जैसे वो पहले सितम से भरी होगी कहीं ज़माना और अयाामे दुनिया ख़त्म नहीं होंगे ला तनकजीर अजियाम कहीं ला यजह कहीं लातकोम सा यानी मतलब यह या है कि दुनिया के ख़त्म होने से पहले एक ऐसा हुक्मरान आएगा अब मजीद देखिए क्या हुआ हमने यह सवाल उठाया था कि ये इस हुक्मरान की बात हो रही है क्या आएगा कहाँ आएगा, आएगा हस्पानिया हाँ। में आएगा अब्बासियों के अंदर से आ जाएगा उमदियों में आ जाएगा ये फातिमियों में आएगा ये मोगलों में आ जाएगा कहाँ आएगा ये देखिए क्या कि बयान किया उन्होंने यही अब्दुल्ला बिन मसूद है वही वाक्य बयान कर रहे हैं मेरे अहल बैत में से मेरा हम नाम एक शख्स अरब का हुक्मरान होगा हत्या यमले कल अरब रजलुम मनााह बैती इसम जवाती हो इसमी तो खुलासा क्या निकला कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का एक शख्स अरब में हुक्मरान होगा बहुत फयाज होगा और बहुत आदिल हुक्मरान होगा तो इसमें भी क्या हुआ यानी आदिल हुक्मरान पैदा होना मुस्तद है फयाज हुक्मरान का आना मुस्तबद है अरब में जो हुकूमतें कायम है वहाँ कोई बहुत अच्छा हुक्मरान आ गए मुझे याद है कि जब शाह फैसल वहाँ हुक्मरान थे तो लोगों के क्या जज्बात थे उनके मामले में हमारे भी क्या जज्बात थे वो किस तरह के हुक्मरान थे तो बहुत से हुक्मरान आते रहे मैं तारीख में से आपको दसियों मिसालें दे देता हूँ लेकिन चलिए बहुत गैर मामूली तरीके पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का एक हुक्मरान हो जाएगा अभी शाह अब्दुल्ला की हुमरानी थी इस वक्त शाह सुलेमान की हुक्मरानी है शाह सुलेमान के साहबजादे का नाम क्या है मोहम्मद तो मोहम्मद बिन सुलेमान हुए तो अगर शाह अब्दुल्ला का कोई बेटा का हुक्मरान बन गया तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हो जाएगा अच्छा यहाँ तो इतनी बात है उसमें ये भी सराह नहीं है कि ये नाम माने रखा है पब्लिक में भी यही नाम होगा कि नहीं होगा ये तो वाजे नहीं है अच्छा ये तो ज़ाहिर वाजे नहीं लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नाम मुस्तद है अच्छा एक दूसरी बात है इसमें कि वो मेरे अहले बैत में से होगा चलिए ये भी मान लिया तो आपको मालूम है कि ये सऊदियों से पहले यहाँ पर हाशमी ख़ानदान की हुक्मरानी थी जिनको शरीफ कहा जाता था उनमें से कोई हो गया कल को को और हुक्मरान आ जाता है लेकिन जो बात बयान की गई है वो है क्या यानी रिसालत में आप सर वसलम के ख़ानदान के लोग इस वक्त दुनिया भर में मौजूद हैं उनकी हुकूमतें भी कायम होती हैं उर्दन में इस वक्त हाशमी ख़ानदान की हुकूमत है अरब में कल को कोई हुक्मरान ऐसा पैदा हो जाता है या कभी हुआ इससे पहले हो सकता है कि बाद लोग उसी पर इतलाक कर डालें एक हुरान होगा जो बड़ा फ़याज़ होगा बड़ा आदिल होगा फ़याज़ हुक्मरान आदिल हुक्मरान सैदना उमर रजी ला आदिल थे फयाज़ थे उमर मिन अब्दुलई आदिल थे फयाज थे फिर वह इमाम मेहदी बन गए तो ये जो महदवियत का तस्वुर है ये कहाँ है इन रवायतों में ठीक आगे बढ़ते हैं यानी ये जो जो कुछ मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया है इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो बात मालूम होती है कि मुसलमानों के अंदर कोई अच्छा हुक्मरान पैदा हो जाएगा और मुसलमानों के अंदर वो अदल कायम कर देगा और उस ज़माने में पैदा हो जाएगा कि जब लोग बहुत ज़्यादा जुल्म ऊदवान में पड़े हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे ही नतीजा निकालते हैं आगे चलिए यह अब अबू सईद खुदरी की एक और रवायत आ गई है यानी इससे पहले जिन सहाबा को हम देख चुके हैं अब यह किसी नए सही का इजाफा नहीं हुआ अबू सईद खुदरी ही एक रवायता है लेकिन वाक्य ज़रा मुख्तलिफ है तो इसलिए इसको अलग से बयान कर रहे हैं नबी सैदिनखुद्री काला कला रसूल सल्लासम लातकूम उस्ात वत्त यम का रजलुम में नहरे बहती अजलाअना यमला किस्तन बदला कमा मोलत कबलहू न व उदवाना यकून सबासी सनीम वान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल तुम लर्ज़ जौरम व मिन यजुम व मिन अहले बैती यमल को सबन और तिसनफ़ यमलाज बादला अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरे अहल बैत में से एक कुशादा पेशानी और ऊँची नाक वाला शख्स हुक्मरान न बन जाए अच्छा या अलामत एक नहीं आ गई इजाफा क्या हुआ इससे पहले यह था कि मेरे अहले बैत में से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का एक शख्स हुक्मरान बन जाएगा अब क्या मालूम हुआ कि उसकी पेशानी कुशादा होगी और नाक ऊँची होगी ठीक ये कौन सी ऐसी अलामतें जो गैर मामूली कुशादा पेशानी वाला हुक्मरान कभी आज तक पैदा नहीं हुआ क्या तो ऊँची नाक वाला कोई हुक्मरान पैदा नहीं हुआ तो ये अजना अकना के जो अल्फाज आए हैं इनसे क्या नई बात मालूम हुई और यहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम होगा इसका इसकी कुछ सराहत नहीं इसमें ये जिक्र नहीं है लेकिन आप सब रवायतों को साथ लेकर चल रहे हैं ना यानी अब तक हमें जो मालूम हुआ वो ये है कि एक हुक्मरान के आने की पेशींदोई की गई है वो हुक्मरान अरब में आएगा यानी आप मैं किन मुल्कों में रहते हैं वो जेर बहस नहीं है अरब में एक हुक्मरान आएगा या हुक्मरान पैदा होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसका नाम होगा उसकी पेशानी कुशादा होगी उसकी नाक ऊंची होगी वो हुक्मरान बनेगा क्या करेगा जो ज़मीन को अदलो इंसाफ़ से ऐसे ही भर देगा जैसे वो पहले उद्वान से भरी होगी हम पीछे जान चुके हैं कि अरब में आएगा जाहिर ज़मीन से क्या मुराद है अरब अरब की ज़मीन ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरीके से हम ज़मीन सरज़मीन के अल्फाज अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बोलते हैं अरबी में भी ऐसा ही होता है तो कोई सारी दुनिया का जिक्र नहीं है सारे आलम का जिक्र नहीं है ये तस्वुर के पूरे आलम में कोई इस्लाम का गलबा कायम हो जाएगा कोई चीज़ जेर बैस नहीं है अरब में एक हुक्मरान आएगा वो हुक्मरान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से होगा वो रिसालत मबलम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता होगा बिल्कुल मान लीजिए इस पूरी बात को इसमें क्या बात है जो बयान हुई है उस वक्त बड़ा जुल्म होगा बड़ा उद्वान होगा और ये हुक्मरान जब आएगा तो ये अदल से इंसाफ से भर देगा मज़ीद देखिए यानी आप ख्याल हो कर रहे होंगे कि ये जाहिर अदल इंसाफ से भर देगा तो उसके बाद दुनिया में क्या आ जाएगी मालूम नहीं क्या होगा उसका ये दौर सात साल का होगा अजीब अच्छा पाँच साल के लिए आप क्या इंतखबा होते हैं दो साल उसमें बढ़ा लीजिए यानी सात साल के लिए एक ऐसा हुक्मरान आ जाएगा जिसका ये नाम होगा ये पेशानी होगी ये उसकी नाक का मामला होगा इनमें से कोई चीज़ भी गैर मामूली है ये सात साल के अफाज सबूर के हैं रसुल् नहीं अबू सईद खुदरी रजी अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह की रवायत है वो ये कह रहे हैं यानी अब तक जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो क्या है एक हुक्मरान मुसलमानों में होगा अरब की सरजमीन में होगा अदल करेगा बहुत फैयाज होगा पेशानी कुशादा होगी ना ऊँची होगी इनमें से कौन सी चीज़ चीज़ें गैर मामूली है दसियों हुक्मरान हो चुके होंगे हो सकता है दसियों हों चलिए बहुत गैर मामूली फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई हुक्मरान होगा जिसकी पेशींदोई की जा रही है इसका जहूर महदी के तस्वुर से क्या ताल्लुक है और यहाँ पर ये भी रवायत भी मुस्निद अहमद की है ग्यारह हज़ार एक सौ तीस इसका रकम है उसका यह दौर सात साल का होगा अबू सईद रज़ी से एक तरीक़ में नबी सल्हसम के ये अल्फाज नकल हुए हैं ज़मीन को जुल्म ज़ोर से भर दिया जाएगा फिर मेरे ख़ानदान या फरमाया कि मेरे अहल बैत में से एक शख्स होगा जो सात या फरमाया कि नौ साल तक हुक्मरानी करेगा और ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा यहाँ सिर्फ फ़र्क क्या वाकई हुआ वहाँ सात साल थे नौ हो गए दो साल का इजाफा हो गया यानी कम से कम दो टर्म्स जो हमारे यहाँ आज जमहूरीत में समझी जाती हैं इतने एक साल की हुक्मरानी आपको मिल जाएगी जिसमें बहुत अदल होगा बहुत इंसाफ होगा तो यहाँ पर भी एक हुक्मरान ज़ेर बहस है अरब की सरज़मीन में जेर बहस है रसालत मब सल्लम के ख़ानदान से इसको भी तस्लीम कर लें कोई ऐसा इस्तेबाद नहीं है बहुत सी सादात की हुकूमतें कायम होती रही हैं फ़ातमियों का यही दावा था और तो और छोड़िए अब बासीियों का यही दावा था वो भी यही कहते थे कि हम रसोल्ला के ख़ानदान से हैं रसालत मब सल्लम के अम्म मोहतरम की औलाद है यानी जो भी आप जानना चाहें मेरे अहल बैत में से ज़ाहिर है कि रसालत में आपका ख़ानदान दुनिया में बहुत सी जगहों पर आबाद है मैंने आपसे कहा कि ये जो सऊदी हुकूमत कायम हुई है इससे पहले सरजमीन अरब में शरीफ कहा जाता था ना उनको शरीफ मक्का तो ये हाशमी थे यही है यही ख़ानदान है जो इसे करदन में हुकूमत कर रहा है एक हुरान होगा आप तस्लीम कर लीजिए कि जी ज़रूर होगा हुक्मरान और इस तरह का कोई हुक्मरान होगा तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे बड़ी अच्छी बात है चले सात साल नौ साल ही के लिए सही लेकिन दुनिया में क्या उससे तब्दीली आ जाएगी कायनात में क्या तगिर आ जाएगा ज़मीन व आसमान में क्या तब्दीलियाँ वाकई हो जाएंगी कोई जिक्र है नहीं वो जो आपने अभी दास्तान पढ़ के सुनाई थी उसका तो कोई शायबा भी इन रवायात में नहीं हुँ, हुँ। इसके बाद आखिरी रवायत जो है वो अबू सईद खुद की है। हम सब मैं यहाँ पर माजत चाहूँगा वक्त हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है आखिरी रवायत क्या है इसके अंदर क्या बयान हुआ है इस पर हम चाहेंगे कि अगले नश्म में तफ़सील से आपसे सवाल करें और ूर मेहदी के हवाले से जो बाकी इश्काल वारद होते हैं आपकी इस अंडरस्टैंडिंग पर जो कुछ आपने भी बयान किया है इन शो भी तफी से ज़ेर बहस लाएँगे अब तक आपके वक्त का बहुत शुक्रिया